हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए मनरेगा सीधी भर्ती फिक्रा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। यदि आप भी मनरेगा में परमानेंट, आप देख सकते हो, स्थायी वैकेंसीज प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 8वीं 10वीं और 12वीं पास रखी गई है तो इसमें आप जरूर फॉर्म अप्लाई करें। और एक बड़ी वैकेंसी को निकाला गया है और इसमें आपको जो पोस्ट मिलेगी वो आप देख सकते हो, चपरासी की वैकेंसीज आपको मिल रही है, सहायक ग्रेड 1 और 2 दोनों की वैकेंसीज है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसीज है एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज आपको यहां मिल रही है। यानी कि काफ़ी सारी वैकेंसियों का एक साथ नोटिफिकेशन जो है जिले वाइज प्रकाशित किया गया है। और ये जो सभी वैकेंसीज है ये आपको परमानेंट वैकेंसीज मिल रही है। इसमें आपको वेतन मिलेगा 19,500 से लेकर 56,900 रुपये। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि कैसे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। आप देख सकते हो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले वैकेंसीज आपको मिल रही है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो इसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ वेतन बताया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 5,200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे आपको 2400 मिलेगा। 2400 रुपये आपको इसमें ग्रेड पे मिल जाएगा। लेकिन आपको इसमें बताया गया है कि आप जैसे ही इस भर्ती प्रोग्राम में ज्वाइन करते हो तो आपको 18,420 रुपये से आपका वेतन स्टार्ट होगा। इसमें फिर आपको बताया कि बिना प्रिक से आपका इसमें सिलेक्शन होगा, नो एग्जाम, यानी कि किसी प्रकार की एग्जाम आपकी इस रिक्रूटमेंट में नहीं हो रही है। इसमें आपको कैसे जो है सिलेक्ट किया जाएगा, तो सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो 10+2 यानी कि आपको इसमें बताया कि यदि आप 12वीं पास है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अथवा में और भी काफ़ी सारी जो इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है, इसमें भी आपको बताया कि 10वीं के बाद यदि आपके पास वित्तीय विषय में डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि काफ़ी सारी और भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको इसमें बताई गई है। लेकिन इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन में सबसे पहले आपको बताया न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का जो प्रतिशत है 100 अंकों का वेटेज निकाला जाएगा, यानी कि और जो अन्य अंक है वो आपको नहीं मिलेंगे। और इसके बाद कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा आपकी होगी 65 अंकों की, तो आप देख सकते हो 65 अंक वहाँ से आपको लेकर आना होगा। इसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ आपको अलग अलग जो है इसमें 100 अंकों का आपका वेटेज होगा, 100 अंकों का वेटेज होगा, तो 20 अंक जो है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के दिए जाएंगे। इसमें फिर आपको 65 अंक आपको कंप्यूटर के दिए जाएंगे। इसके बाद यदि आपके पास अनुभव है तो अनुभव के अंक आपको मिल जाएंगे। तो आपको नेक्स्ट वैकेंसीज मिल रही है सहायक ग्रेड 2 के लिए, तो सहायक ग्रेड 2 के लिए आपको वेतन मिल रहा है 5,200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे 2400, यानी कि आपका इसमें प्रारंभिक वेतन 18,420 रहेगा। और इसमें आपको बताया कि प्रथम श्रेणी में यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है यानी कि स्नातक कर रखे तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यदि आपने किसी भी विषय से ग्रेजुएशन कर रखी है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिर आपको बताया है 10+2 के यहाँ आपको 20 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों का जो है वेटेज है वो 50 है, कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा आपकी 15 अंकों की है, तो आप देख सकते हो इस प्रकार आपका इसमें सिलेक्शन होगा। यानी कि बिना परीक्षा आपका इसमें सिलेक्शन किया जा रहा है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करें। और आपको ग्राम पंचायत या आपके शहर में ही आपको एक जॉब मिल जाएगा और परमानेंट वैकेंसीज आपको मिल रही है। आपको नेक्स्ट वैकेंसी मिल रही है आप देख सकते हो सहायक ग्रेड 3 की, तो सहायक ग्रेड 3 के लिए आपको वेतन दिया जाएगा 14,200 रुपये। और इसमें आप देख सकते हो कैसे आपको वेतन मिलेगा, 5,200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे आपको इसमें 1900 मिलेगा। ग्रेड पे कितना मिलेगा, 1900, तो आपका वेतन हो जाएगा 14,200 रुपये। इसमें फिर आपको बताया 10+2 यदि आपने कर रखी है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया। और यदि आपके पास हाई ग्रेड 3 में अनुभव है तो आपको यहाँ 5 से लेकर 15 अंकों तक का जो है बोनस मिल जाएगा। आज जो आपको नेक्स्ट पोस्ट मिल रही है आप देख सकते हो भर्ती, यानी कि चपरासी की पोस्ट आपको मिल रही है, तो 4th ग्रेड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको वेतन मिलेगा 11,360 रुपये, यानी कि प्रारंभिक वेतन है इसमें आपका। और इसमें आपको बताया कि 4,750 से लेके 7,440 लेवल 1 आपका इसमें रखा गया है। और इसमें 1,300 रुपये आपको ग्रेड पे मिलेगा, 1,300 रुपये ग्रेड पे मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 5वीं पास रखी गई है। इसमें फिर आपको बताया जो आपका सिलेक्शन है वो कैसे होगा, तो 5वीं में प्राप्त जो प्रतिशत है वो आपको 65 अंक मिलेंगे, यानी कि इसका वेटेज मिलेगा। हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत यानी कि आपने 10+2 कर रखी है या आपके पास जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद यदि आपके पास अनुभव है तो आपको 15 अंक और मिल जाएंगे। यदि अनुभव नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 5वीं पढ़े लिखे होना अनिवार्य है। किस पोस्ट के लिए, भर्ती की पोस्ट के लिए, यानी कि चपरासी की वैकेंसीज आपको ये मिल रही है। आपको यहाँ बताया गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं महिलाओं को शासन के नियमानुसार 30% का जो है आरक्षण दे होगा,
6% दिव्यांग को दे होगा और 10% जो भूतपूर्व सैनिक है उनको मिलेगा। इसके बाद आपको फॉर्म कब से कब तक भर देना है, 6/9/2022 तक आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हो निदेशक जिला पंचायत कार्यालय के द्वारा ये पंजीकृत पोस्ट से आपको ये अप्लाई करना है, यानी कि काफ़ी सारे कैंडिडेट इसे साधारण पोस्ट से अप्लाई कर देंगे, यानी कि ऑर्डिनेंस पोस्ट से, तो ये फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा, केवल आपको रजिस्ट्री पोस्ट से फॉर्म अप्लाई करना है। इसके बाद आपको इसमें बताया कि 1 जनवरी 2022 को आप कम से कम 18 और अधिकतम यदि आपकी उम्र 35 वर्ष है तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ये आपको फॉर्म बताया गया है, ये फॉर्म भर के भेज देना है। और आप देख सकते हो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत ये वैकेंसीज आपको मिल रही है और ये छत्तीसगढ़ से वैकेंसीज है और छत्तीसगढ़ से 15,000 के समथिंग इन वैकेंसियों को निकाला जाएगा, अलग अलग जिला वाइज या ग्राम वाइज वैकेंसियों को निकाला जाएगा। तो ये फॉर्म आपको भरना है और आप किस राज्य से इस प्रकार की जॉब प्राप्त करना चाहते हैं आप हमें कमेंट में बताइए और नेक्स्ट वीडियो आपके राज्य से संबंधित होगा।